मध्य प्रदेश के श्योपुर में कुपोषण से एक महीने के बच्चे की मौत, एक की हालत गंभीर और चार फिर भी कुपोषित, आखिर जिम्मेदार किसको बताया जाए। बीते कुछ दिनों में गंभीर कुपोषित बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। कुपोषण के इस जंग में बीते कुछ दिनों में एक बच्चे की कुपोषण से मौत हो गई है और एक बच्चे अश्वनी की हालत गंभीर बताई जा रही है। 5-6 अति कुपोषण बच्चों पर मौत का खतरा मंडरा रहा है। इन सब पर महिला बाल विकास का ध्यान नहीं जा रहा है। सभी बच्चे अनुसूचित जनजाति के हैं। कुपोषण के शिकार बच्चे विजयपुर और कराहल ब्लॉक के हैं। साल भर में कुपोषण के चलते कई बच्चे काल के गाल में समा गए। जिले के अधिकारी लीपापोती की तैयारी में लगे हैं। कुपोषण से हुई मौतों का अब महिला बाल विकास और स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारियों का टीका लगाने के बाद बुखार को ही वजह बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में कुपोषण से मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। श्योपुर जिले में कुपोषण से एक और बच्चे की मौत हो गई। शनिवार को कराहल परियोजना के ढेगड़ा इलाके में कुपोषण से पीड़ित एक महीने के बच्चे ने दम तोड़ दिया। बच्चे की पहचान दिलखुश आदिवासी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि दिलखुश को NRC में भर्ती कराया गया था, लेकिन उसकी सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 15 दिनों में श्योपुर जिले में ही कुपोषण से एक बच्चे की मौत हो गई है। आज की तारीख में ही कराहल इलाके में एक बच्चे अश्वनी की हालत गंभीर बताई जा रही है, लेकिन इस पूरे मामले पर स्वास्थ्य विभाग चुप्पी साधे हुआ है। अहम बात यह है कि राज्य में बढ़ते कुपोषण को कम करने के लिए राज्य सरकार की योजना कारगर नहीं हो पा रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार राज्य की विशेष तौर पर पिछड़ी इन 3 जनजातियों के लगभग 60% महिलाएं और बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। इस पूरे मामले में कांग्रेस प्रवक्ता स्वदेश शर्मा हमसे जुड़ गए हैं। क्या कहना है स्वदेश शर्मा का? स्वदेश शर्मा जी, आस्था न्यूज में आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। श्योपुर जिले में कुपोषण को लेकर काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। महिला बाल विकास और स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी का कहना है कि श्योपुर में कुपोषण नहीं है, परंतु आए दिन हालत गंभीर होती जा रही है। हाल ही में एक बच्चे को कुपोषण से मौत भी हो गई है। एक बच्चे की हालत गंभीर है और 4 से 5 हमारी पड़ताल में आए हैं, और अधिक पड़ताल जब करेंगे तो काफी कुछ लीपा पोती का खेल निकलने वाला है। सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है, तो आपका क्या कहना है? देखिए, बिल्कुल आपने सही सवाल किया, सही जवाब वो मुद्दा उठाया है। और निश्चित रूप से 15 वर्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। सरकार के दौरान कुपोषण में देश में पहले नंबर पर मध्य प्रदेश रहा है। जब माननीय कमलनाथ जी की सरकार आई, मध्य प्रदेश की में कांग्रेस की सरकार बनी और उस स्वास्थ्य विभाग के अमले को सुधारने की कोशिश की और कुपोषित बच्चों की को पोषित आहार देने की जो व्यवस्था की गई, उस व्यवस्था को ज्यादा दिन तक न चल सके, क्योंकि 15 महीने हमारी सरकार रही। उसके बाद हम देखते हैं कि आज शिवराज सिंह जी के कार्यकाल में कुपोषण में फिर प्रदेश पहले नंबर का पायदान को छूने जा रहा है, और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बड़ा दुखद है ये तो। और रहा सवाल इस बात का, ये अगर सरकार से कोई बात करे तो सरकार ये आंकड़ों की बाजीगरी खेलती है। जमीनी हकीकत ये जो आप बता रही है कि कुपोषण से एक बच्चे की मौत आप बता रही है ये तो, और एक अगर आप पड़ताल ज्यादा करेंगी तो ये संख्या बढ़ भी सकती है, कम नहीं होगी। और यहाँ तक कि शिशु मृत्यु दर भी मध्य प्रदेश में बढ़ चुका है। अगर महिलाओं की बात करें, महिला उत्पीड़न बढ़ चुका है। अगर दलित आदिवासियों पर अत्याचार की बात करें, वो भी पहले नंबर पर होने जा रहा है। तो ये स्थितियाँ कुल मिलाकर के सरकार का फेलियर होना साबित करती है। जी सर, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। जी जी जी, धन्यवाद। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।